हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता क्रिश्चियन और मैं हूँ ममता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही रस से भरी कुरकुरी जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर हर किसी के मुँह में पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जलेबी किसको पसंद नहीं होती है। जलेबी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सभी को बहुत ही पसंद होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। और आज मैं जिस तरीके से आपको जलेबी बनाने का तरीका बताऊंगी वो बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी तरीके से हम अपने घर पे जलेबी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी जलेबी बनाने की। जलेबी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ 3 बड़े चम्मच मैदा। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच मैदा ले लिया है और इसमें मैं 1 कप दही डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाते रहना है, एक साथ पानी नहीं डालना है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरह का एक घोल तैयार किया है जलेबी का। और फ्रेंड्स, दही डालने से हमारी जलेबी बहुत ही फूली फूली बनेगी और जो जलेबी में तो थोड़ा बहुत खट्टापन आता है वो दही से ही आता है और दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जलेबी में, तो दही ज़रूर डालें। मैं थोड़ा सा ये फूड कलर डाल देती हूँ जिससे कि हमारे जलेबी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में ढक्कन लगा के। और इसको हम रेस्ट के लिए रखते हैं जब तक कि हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं जलेबी के लिए। तो यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी चीनी और उसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं चीनी को। अच्छे से मिला के हम चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर घोल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, घुल गई है अच्छे से चीनी। तो इसको हम अच्छे से उबलने देंगे और चाशनी बनाएंगे इसकी। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कुछ केसर के धागे। केसर के धागे डालने से चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और जलेबी में अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना केसर के भी जलेबी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाई है, बस चीनी को मेल्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं 1 नींबू का रस निचोड़ दूंगी, 1/2 नींबू है। नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी क्या है वो जमेगी नहीं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चाशनी जम जाती है और वो चीनी बन जाती है। और अब मैं इस 1 कढ़ाई ली है और उसमें मैं घी डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है जलेबी तलने के लिए। आप घी की जगह तेल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन घी से जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो रहा है जब तक हम अपने घोल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोल भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। और आज मैं आपको दूध के पैकेट से जलेबियाँ निकालने का तरीका बताऊंगी। तो ये दूध का खाली पैकेट है, इसको हम ऊपर से काट लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा है इसको मिलाऊंगी। बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और उसको मिला के और इस घोल को हम इस दूध के पैकेट में डाल देंगे। तो इस तरह से हम सारा घोल इस पैकेट में डाल देंगे और उसके बाद इसको हम एक रबड़ से बांध देंगे
कवर कर देंगे रबड़ से, रबड़ या किसी डोरी से हम इसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद अब हम नीचे से छेद करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैंची से छोटा सा छेद कर दूंगी, जिससे कि हमारी जलेबियाँ बहुत ही पतली पतली बनेगी। जलेबी निकालते हैं, तो इस तरह से हमें जलेबी निकालनी है गोल गोल शेप में। ध्यान रहे, पहली बार में हमसे जलेबियाँ सही नहीं बनेगी, सही राउंड में नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी बार में हमसे अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी जलेबियाँ निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल बनके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी जलेबियाँ निकल रही हैं। और जब ये हल्की पकने लग जाए तो इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेबी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेबी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं और इसको अब हम निकाल लेते हैं। जलेबी को निकालते ही हमें चाशनी में डाल देना है और एक मिनट तक चाशनी में रखने के बाद इसको वापस निकाल देना है। तो यहाँ पे ये चाशनी है और हम अपनी सारी जलेबियों को इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से सारी जलेबियों को चाशनी के अंदर डुबा देंगे, जिससे कि ये सारा रस जलेबी के अंदर चला जाए। और इसी तरीके से हम अपने सारे जलेबियाँ बना लेंगे। दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेबियाँ हमारे अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं, रस से भर चुकी हैं जलेबियाँ। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी जलेबी हमारी बनके तैयार हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुरकुरी जलेबी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी जलेबी बनी है। ये देखिए, आप भी इस तरीके से अपने घर पे जलेबियाँ जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही सरल होता है जलेबी घर पे बनाना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ममता क्रिएशन। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।